कर रहे थे, कहां थे आप, कहीं भी रहे हो जिंदा थे। आपकी मोदी और आपकी बीजेपी सरकार से बहुत दूर, जिनको आप लोगों ने दिखाया था। ये बताइए कि अभी कहां जा रहे हैं आप? घर कहीं भी जाऊंगी, लेकिन ऐसी जगह जाऊंगी कि इसके ये जो किया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे मेरा घर खराब कर दिया। जब आपके घर करेंगे ना ऐसा, तब आपको पता चलेगा। आप कैंपस स्टूडेंट हैं यहाँ पे क्या? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, मैं लॉ पढ़ती हूँ यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी तो कुछ नहीं बचा। मैं क्या पढ़ू घर जाकर? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा है? काश देख पाते वो लोग आकर अंदर की रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है? कहाँ रह रहे हैं हम? मुझे बताइए ना, कौन आंसर करेगा मुझे? मेरे दोस्त मर गए, पता ही होगा आप लोगों को, लोग मर गए हैं अंदर। यहाँ हाथ पैर टूट चुके हैं लोगों के, सर फूट चुके हैं, रो रहे हैं। रात भर मेरे दोस्त रोए हैं, रात भर हॉस्टल की लड़कियां रोई हैं। मैं अभी अभी यूनिवर्सिटी देखा अपना, मुझसे रहा नहीं गया, मेरी घर के साथ ऐसा किया है। आपने खुद को कैसे बचाया कल जब? हम भाग गए वहाँ से। क्या हुआ था? हम वहाँ से अपने सेफ स्पेसेस खोजने लगे, अपने घर वालों के घर पे गए, अपने लोकल गार्जियंस के घर पे गए। आप हॉस्टल में ही थे? नहीं थे, नहीं थे वहाँ। आज मैं यूनिवर्सिटी घुस रही हूँ, हर कोई बस यही कह रहा है यहाँ से जल्द निकल जाओ, इससे पहले कि सबके साथ कुछ हो जाए, ये कह रहा है हर कोई। आपका नाम क्या है? अनुज्ञा। अनुज्ञा, तो आप कल रात वाले हैं? मैं रांची से आई हूँ, मैं यहाँ दिल्ली आई थी कि दिल्ली है सबसे सेफेस्ट जगह होगी शायद स्टूडेंट्स के लिए इस देश में। ये किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी है। तो आज आप सुबह आज वापस आई थी आप? जी। क्यों आई थी वापस? वापस हम आए थे हॉस्टल से अपना सामान लेकर वापस घर जाने के लिए। आप घर जा रही हैं? जी, मैं घर जा रही हूँ जी। अच्छा, ये बताइए जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर आपका क्या कहना है? वो कितना क्या गलत किया था स्टूडेंट्स ने? प्रोटेस्ट ही कर रहे थे ना, हमें इतनी एजुकेशन मिली है, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया हमारे एजुकेशन पे, इसलिए तो नहीं कि हम घर पे बैठ के चुपचाप बैठ जाए, उसका कोई उपयोग ही नहीं करे। एजुकेशन क्या सिर्फ मशीन चलाने के लिए मिलती है हम लोगों को? कि इसके लिए भी मिलती है कि मेरे साथ वाले के साथ गलत होगा तो मैं उसके लिए खड़ी रहूंगी? मैं तो मुस्लिम भी नहीं हूँ अंकल, फिर भी मैं डे वन से फ्रंट लाइन में खड़ी रही हूँ। क्यों मेरे घर वालों के साथ कर रहे हैं ना ऐसा? इसलिए तो आप कल हॉस्टल में थी जब ये पुलिस वाले अंदर आए थे? नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं थी, हॉस्टल आने से सबको मना कर दिया गया था, कुछ भी हो जाए हॉस्टल मत आना, यूनिवर्सिटी के आसपास आने से मना कर दिया गया था। लोग यूनिवर्सिटी से, हम कहीं भी हो, लोग यूनिवर्सिटी से भाग गए, उस प्लेस से भाग गए जिस प्लेस को सब लोग सबसे सेफेस्ट जगह मानते थे। हमारा ये मानना था कि मम्मी पापा हम यूनिवर्सिटी के अंदर है, हमें कुछ नहीं हो सकता, ये कहना था हमारा हमेशा से, ये प्राउड रहा था हमारा। आज यूनिवर्सिटी के अंदर, सिर्फ अंदर, हॉस्टल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की है, सबको पता है। You feel safe in the hostel? I do not feel safe in this entire country. In this entire country, I do not feel safe. I do not know where I will go and be lynched today by the police itself. I do not know anything anymore. I do not know tomorrow if my friends would be Indians. We do not know anything now. देखिए ये अनुज्ञा यहाँ से निकल रही है। So that was a student here at the Jamia Millia Islamia University, Anugya, and she is talking about rather emotionally about what happened last night and how students are still traumatized by what happened, what they allege was police brutality, how they police barged into hostels and other buildings in the university and brutalizing and traumatizing many students.